लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज और गठिया के मरीजों के लिए फायदेमंद है राजमा। राजमा चावल का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि खाने में हर किसी को काफ़ी पसंद आता है। राजमा न सिर्फ खाने में टेस्टी लगता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ये कई तरह के बीमारियों से बचाता है, खून की कमी को दूर करता है, इससे हार्ट, डायबिटीज जैसे बीमारियों से छुटकारा मिलता है। राजमा को किडनी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। राजमा हार्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। अगर आप राजमा खाते हैं तो हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी जुड़ी बीमारियां नहीं होती हैं। राजमा शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करता है, साथ ही इसमें फाइबर भी पाया जाता है। इसे खाने के बाद लंबे समय तक पेट को भरा रखता है और ये पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। राजमा डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है। ये फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जिससे शुगर का लेवल बनाए रखता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल भी करता है। राजमा गठिया के लिए भी सहायक होता है। अगर गठिया में जोड़ों में सूजन आ जाती है तो इससे शरीर में कॉपर की कमी हो सकती है। राजमा कॉपर से भरपूर होता है, जिसके कारण ये गठिया के इलाज में फायदेमंद होता है। राजमा खाने से दिमाग मजबूत होता है और याददाश्त भी बढ़ती है। इससे विटामिन के पाया जाता है, जो दिमाग के लिए फायदेमंद है। हफ्ते में एक बार राजमा का सेवन करने से कई परेशानियां दूर होती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? राजमा अगर नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दीजिएगा। राजमा चावल तो फेमस है, आप राजमा रोटी भी खा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल लाइक करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। धन्यवाद।